मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द क्लास टेंथ. आज हम लोग रीड करेंगे, वी विल रीड टुडे और लेसन. थर्ड लेसन जो है पॉजिटिव है, एन इम्पोर्टेंट लेसन. ये एक इम्पोर्टेंट लेसन है और आप लोग जानते हैं कि कुछ सिलेबस जो है हमारा पढ़ने को है, 60% कोर्स आना है, 40% कोर्स आपका कटेगा. लेकिन ये लेसन जो है ये नहीं कट सकता आपका, बिकॉज इज एन इम्पोर्टेंट लेसन. ये आपका इम्पोर्टेंट लेसन है और आप लोग देखिए, हम लोग रीड करते हैं. आप पॉजिटिव है. अब पॉजिटिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव मतलब आप लोग जानते हैं, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य. तो लेसन का अर्थ क्या हो जाएगा? सकारात्मक स्वास्थ्य. अब इस लेसन अबाउट द टेक्स्ट निकालिए बुक की और उसमें देखिए पॉजिटिव हेल्थ जो है. पॉजिटिव हेल्थ की लेसन जो है ये, इसका अर्थ क्या होता है? पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है सकारात्मक स्वास्थ्य. और पॉजिटिव हेल्थ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हाउ कैन वी गेन द पॉजिटिव हेल्थ. हम पॉजिटिव हेल्थ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पॉजिटिव हेल्थ कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है और क्या है पॉजिटिव हेल्थ? तो चलो लेट अस रीड द लेसन एंड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन. पहले पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं. हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. क्लास एक एक शब्द को अच्छी तरह से पढ़ना है आप लोगों को. हेल्थ इज अ पॉजिटिव. अब स्वास्थ्य की डेफिनेशन बताई गई है, स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई है यहाँ पर कि हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. स्वास्थ्य जो है वह क्या है? पॉजिटिव स्टेट यानी सकारात्मक स्वास्थ्य है. और वो फिजिकल मतलब शारीरिक एंड मेंटल मतलब मानसिक, वेलबींग मतलब कल्याण का. स्वास्थ्य जो है वह सकारात्मक स्तर है शारीरिक और मानसिक कल्याण का. वेन वी फील सिक्योर, जब हम सिक्योर, वेन वी फील सिक्योर, हम सिक्योर कब महसूस करते हैं? By being physically healthy, जब एक व्यक्ति एक प्राणी शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है and free from disease, जब वह disease मतलब बीमारियों से मुक्त होता है. By feeling content, content का मतलब होता है संतुष्टि. content का मतलब क्या होता है? संतुष्टि. जब हम संतुष्टि महसूस करते हैं and by living in a comfortable and clean environment. और जब हम कंफर्टेबल मतलब आरामदायक सुविधाजनक और क्लीन एनवायरमेंट में रहते हैं, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण में रहते हैं, वी आर इन स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तब हम सकारात्मक स्वास्थ्य के स्तर में होते हैं. तो लेखक हमें क्या बताते हैं? सबसे पहले उन्होंने हमें बताया है शुभ्रा दत्ता ने पॉजिटिव हेल्थ की, सॉरी हेल्थ की डेफिनेशन. हेल्थ क्या है? इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, शारीरिक और मानसिक कल्याण का सकारात्मक स्तर है. और हम सुरक्षा कब महसूस करते हैं, सुरक्षित कब महसूस करते हैं? जब हम फिजिकली और मेंटली क्या होते हैं? सही होते हैं. हम फ्री फ्रॉम डिजीज, हम बीमारी से मुक्त होते हैं. बाय फीलिंग कंटेंट, संतुष्टि को महसूस करके. एंड बाय लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरमेंट, और सुविधाजनक आरामदायक और स्वच्छ पर्यावरण में रहते हैं वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. तब हम पॉजिटिव हेल्थ यानी कि सकारात्मक स्वास्थ्य के स्तर में होते हैं. और क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन, हमारा क्लोज मतलब घनिष्ठ और हार्मोनियस मतलब मधुर. हार्मोनियस मतलब मधुर. इंटरेक्शन मतलब संबंध, अंतर्क्रियाएं विद फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंडली फ्रेंड्स हेल्प अस, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ हेल्प अस टू स्टे वेल एंड मेंटली. तो हमें यह मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है. तो अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि फिजिकली फिट, फिजिकली हम लोग
पॉजिटिव मतलब हम लोग पॉजिटिव हेल्थ कैसे पाते हैं, और पॉजिटिव हेल्थ जो है वो फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को लाती है, जिसमें फिजिकल हेल्थ भी होती है और मेंटल हेल्थ भी होती है। तो अगर हम फिजिकल हेल्थ यानी हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो कब हम महसूस करते हैं, जब हम बीमारियों से मुक्त हो, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जब हम लोग कंटेंट मतलब संतुष्टि महसूस करें, जब हम सुविधाजनक और हम आरामदायक और स्वच्छ पर्यावरण में रहें, तो ये फिजिकल हेल्थ हो जाती है। लेकिन जब हमारे संबंध घनिष्ठ और मिठे संबंध हमारे परिवार, हमारे पड़ोसियों और हमारे दोस्तों के साथ होते हैं, तो ये हमें मेंटली वेल यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ करने का में मदद करता है। परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत कम लोग हैं एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, जो कि सकारात्मक स्वास्थ्य को एंजॉय करते हैं, उनका आनंद लेते हैं। द रिच इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो धनी संपन्न और डेवलप्ड मतलब विकसित डेवलप्ड मतलब विकसित देश है, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीक रही। इस लेसन का एक एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पैराग्राफ से हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनते हैं। फैमिली टाइज अपीयरिंग टू बी वीक रही, धनी और विकसित देशों में फैमिली टाइज जो पारिवारिक संबंध है अपीयर मतलब दिखते हैं, टू बी वीकनिंग, वीकनिंग मतलब कमजोर होते हुए, नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स, पड़ोसी स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं मतलब कि अजनबी हो सकते हैं, एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स, और फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, समटाइम्स मतलब किसी समय, रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित होती हुई, प्रतिबंधित या फिर कह सकते हैं टूटती हुई नजर आती है। टू बिजनेस कॉन्टेक्ट, व्यापारिक या व्यवसायिक संपर्कों के कारण दोस्ती टूटती हुई दिखती है इन दोज कंट्रीज, लेकिन उन देशों में, किन देशों में, जो डेवलप्ड है, विकसित है, धनी है, संपन्न है, ऐसे देशों में एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय, कंडीशन मतलब स्थितियां हैव इंप्रूव्ड कंसीडरेबली, और वहां पर जो कंडीशन है, ऐसी कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन जो है, जो पर्यावरणीय स्थिति जो है, हैव इंप्रूव्ड सुधर चुकी है, कंसीडरेबली, कंसीडरेबली मतलब विचारणीय रूप से, वहां देशों की, विकसित देशों की जो पर्यावरणीय स्थितियां हैं वो सुधर चुकी है। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड, वहां की जनसंख्या अचीव्ड मतलब प्राप्त कर चुकी है ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, बेटर मतलब तुलनात्मक रूप से, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री यानी विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की जो जनसंख्या है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस को प्राप्त कर चुकी है। न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल मतलब पोषकीय, न्यूट्रिशनल मतलब पोषकीय स्टेटस, स्टेटस मतलब स्तर, यानी कि जो डेवलप्ड विकसित और रिच कंट्री है वहां पर पोषकीय तत्व, पोषकीय स्तर आराम से ऊपर उठ जाता है, लोग वहां प्राप्त करते हैं। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी का मतलब अत्यधिक मात्रा, प्लेंटी का मतलब अधिक मात्रा, अधिक मात्रा में जो लोग वहां पर मनी अवेलेबल, पैसे उपयुक्त है टू बाय, खरीदने के लिए मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट्स,
यानी जीवन की कंफर्ट्स मतलब सुख सुविधाओं को खरीदने के लिए रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज में प्लेंटी ऑफ मनी है, यानी कि अत्यधिक मात्रा में पैसा है। एंड पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में लोग जो है एंजॉय बेटर फिजिकल है, वो शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि पैसा है, क्लीन एनवायरनमेंट है, कंफर्ट्स है, आनंद ले सकते हैं। बट दे आर फार, परंतु वे बहुत दूर है फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, यानी सकारात्मक स्वास्थ्य नहीं मिलती उनको। क्यों नहीं मिलती है उनको? एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि उनमें से अधिकतर जो मानसिक रूप से कंटेंट नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। अब उनको क्यों नहीं उनको पॉजिटिव हेल्थ मिलती है? पॉजिटिव हेल्थ इसलिए मिलती है, नहीं मिलती क्योंकि उनके पास फिजिकल हेल्थ तो है, पैसा है, कंफर्ट्स है, सब कुछ है, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अच्छा है, लेकिन वहाँ मेंटली हेल्थ उनको नहीं मिलती। इसीलिए पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है फिजिकल एंड मेंटल दोनों। तो उनको पॉजिटिव हेल्थ नहीं मिलती, उनको फिजिकल हेल्थ मिलती है, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग मतलब विकासशील, डेवलपिंग विकासशील देशों में द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, मानवीय संबंधों के जो गुण है विद इन फैमिलीज, परिवारों में, नेबर्स पड़ोसियों में एंड फ्रेंड्स दोस्तों में, आर ऑफन मोर पॉजिटिव, वो ज्यादा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। हाउएवर बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, लेकिन जो एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय और न्यूट्रिशनल स्टेटस है, यानी कोष की जो स्तर है ऑफ दिस पॉपुलेशन, ऐसी जनसंख्या का और लोअर, वो निम्न है। सो द पीपल सफर फ्रॉम मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, और ऐसे देशों में लोग जो है वो सफर करते हैं, यानी पीड़ित होते हैं फिजिकल हेल्थ के द्वारा, यानी शारीरिक मतलब खराब शारीरिक हेल्थ के द्वारा। व्हेन अ पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज पुअर, और जब एक व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है वो खराब है, तो द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो सकारात्मक स्वास्थ्य का जो स्तर है कैन नॉट एग्जिस्ट, वो अस्तित्व नहीं रखता। एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व। अब विकासशील देशों में क्या है, ह्यूमन इंटरेक्शन जो है, यानी मानवीय अंतर संबंध जो है परिवार और नेबर्स और फ्रेंड्स के साथ अच्छे है, तो उनको मेंटली हेल्थ तो प्राप्त है, लेकिन इन डेवलपिंग कंट्रीज में, इन विकासशील देशों में देयर इज नो एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, कोई स्तर नहीं है पर्यावरणीय और इसका न्यूट्रिशन कोशिकीय स्तर का, इनका कोशिकीय स्तर जो है वो बहुत लोअर है, इसीलिए इनको फिजिकल हेल्थ, इनकी फिजिकल हेल्थ जो है मतलब पुअर है, तो दे कैन नॉट अचीव द पॉजिटिव हेल्थ, तो ये पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते। However, it is not impossible for people in developing countries. फिर भी यह संभव नहीं है विकासशील देशों के लोगों को के लिए to achieve positive health, सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करना विकासशील देशों के लिए संभव नहीं है। देखो, विकसित देशों में सब कुछ है, कंफर्ट्स है, मनी है, सब कुछ है, एनवायरमेंट क्लीन एनवायरमेंट है, वो पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेंटली नहीं। लेकिन विकसित या विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज में मेंटली हेल्थ है, ह्यूमन इंटरेक्शन अच्छे हैं, लेकिन पॉजिटिव हेल्थ नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है। और फिजिकल हेल्थ प्राप्त की जा सकती है, इसमें कोई भी इम्पॉसिबिलिटी या संभवता की बात नजर नहीं आती है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस स्टेट को प्राप्त करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग, हमें समझ होनी चाहिए, हमें आवश्यकता है उस समझ की, हाउ और बॉडीज फंक्शन, कि कैसे हमारे के शरीर के जो फंक्शंस हैं कार्य करते हैं,
सो दैट ताकि वी कैन कीप हेल्दी। यदि हम हमारे बॉडी फंक्शन को समझ लेते हैं तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। वी ऑल्सो नीड अ क्लीन एनवायरमेंट, हमें आवश्यकता है स्वच्छ पर्यावरण की एंड हेल्दी फूड, पौष्टिक भोजन की, दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच, जिसका ज्यादा कॉस्ट मूल्य ना हो। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन, हमें आवश्यकता है सही शिक्षा की, फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ। और यदि हमें इन सबकी चीज है, यदि हमारे पास एजुकेशन है, सब यदि हमें आवश्यकता है एजुकेशन की फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, दैट लीड्स, जो कि हमें अग्रसर करता है, ये शिक्षा हमें लीड्स करती है, हमें अग्रसर करती है टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझने के लिए, द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, यानी कि स्वास्थ्य और सकारात्मक उपागम दृष्टिकोण जो है जीवन का, ये हमें समझने के लिए और हमारी मदद करती है, शिक्षा हमारी मदद करती है। तो ये चार पैराग्राफ आपको पढ़ लीजिएगा, इस इम्पोर्टेंट लेसन बहुत इजी है। पॉजिटिव हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है, और पॉजिटिव हेल्थ कैसे प्राप्त की जाती है, और मेंटली हेल्थ कैसे प्राप्त की जा सकती है, इन डेवलप्ड कंट्री में पॉजिटिव हेल्थ में क्या कमी है, और डेवलपिंग कंट्रीज में पॉजिटिव हेल्थ के लिए क्या कमी है। तो ये चार पांच क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, और आप लोग इस लेसन को दोबारा पढ़ लीजिएगा इसी वक्त के साथ।